तो गाइस अभी आज हम लोग जाने वाले हैं जेतपुर, क्योंकि हमारी जो ओंडा सिटी है वो एक स्क्रैप में आई हुई है, तो उसका थोड़ा पार्ट लेके आते हैं हम लोग। वहाँ से एक बम्पर मिल जाएगा, बोनेट मिल जाएगा और ये विंडशील्ड भी मिल जाएगी मेन वाली, तो कंपनी की वो तो अच्छी हो, और अगर नई डलवाने जाएंगे तो 8-10 हज़ार की आएगी। तो मैंने उनको कॉल किया था, तो आज हम लोग वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे, अगर अच्छी कंडीशन में सब पार्ट हो गए तो हम लोग खरीदने की कोशिश करेंगे सस्ते दाम में। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं जेतपुर। वहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया है, अगर ठीक से मिल गया सब कुछ तो लेके निकल जाएंगे हम लोग। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मावा खा लेते हैं हम लोग, मावे में मौज है क्या, थोड़ा चोल्यूशन पी के जैसा मौज आता है ना, ऐसा मौज आता है। हमने तो कभी बताया नहीं चोल्यूशन, लेकिन वो बोल रहा था उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ चोल्यूशन। ये चूना डालने का बहुत ही मौज आएगा, अच्छे से पानी वानी निकल के ठीक से। क्योंकि ऐसा कुछ घर पे करने की कोशिश ना करें, हमारा तो खून ही दुखानी है। अब इसको ऐसे घिस डालेंगे, अच्छे से घिसेंगे, बहुत ही बढ़िया वाला घिसेंगे। जैसे ही मावा गर्म हो तो हमें देखना है इसको खोल के क्या है। मैं आपको एक और बार वार्निंग देता रहा हूँ, कृपया ये कुछ घर पे अपने घर वालों की परमिशन के बगैर खाने की कोशिश ना करें, हमारा तो खून ही तूफानी, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पीछे वाले कैमरे से दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया वाला मावा बना है। तो गाइस देखिए बहुत ही बढ़िया बना है। तो गाइस मावा कुक हुआ, पुआ का पुआ मुंह भर गया हम लोगों ने, तो अभी हम लोग जेतपुर गएंगे, निकलेंगे और मावा खा का बहुत मौज आ गई है और सब कुछ घूमने लगा, ऐसा लग गया रेखा बेखा कुछ होगा नहीं है, ऐसा बोलने के बाद है, तो कहिए गाइस निकलते हैं यहाँ के। तो गाइस अभी हम लोग हमारे लोकेशन पे पहुंच गए, तो चलिए मैं आपको वो वाली गाड़ी दिखाता हूँ और उसमें से अगर कोई भी चीज़ अच्छी हो तो निकाल लेंगे हम लोग। तो गाइस अभी एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में आईवी ट्रक थी, उसका हमने कांच बम्पर और रेडिएटर सब कुछ निकलवा लिया है, और अभी हम लोग कांच जेतपुर में ही फिट करवा लेंगे, क्योंकि कांच पीछे का चीज में नहीं आ रहा है, तो जूनागढ़ लेके जाना बहुत ही रिस्की होगा, क्योंकि कंपनी का कांच है, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे ही डलवा लेंगे। अभी हम लोग कांच चेंज करवा रहे हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे वापस से। मैं सोच रहा हूँ कि हमारा बुलेट भी यहाँ पे ही चेंज करवा लेते हैं और बाद में सिर्फ बम्पर का ही काम बचेगा। हेडलाइट को मैंने कैंसिल की है, हेडलाइट नहीं लेने क्योंकि उसमें भी थोड़ा डैमेज है। तो चलिए अभी आपसे आगे मिलते हैं। तो गाइस अभी बुलेट गाड़ी का लगा लिया है और कांच लगा लिया है, और अभी रेडिएटर और बम्पर गाड़ी में पीछे है, देख सकते हो यहाँ पे, और इसको मैं अपने तरीके से लगाऊंगा ठीक से शांति से। तो अभी जल्दी से घर पे जाते हैं और अगर आज टाइम मिला तो आज ही काम चालू कर देंगे। अभी हम लोग थोड़ा जी से निकल चुके हैं और गाड़ी में नया कांच है, वैसे तो पुराना लेकिन हमारे लिए तो नया ही है,
तो जूनागढ़ जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही ख़राब है। गाड़ी को सिर्फ 10 पे ही चला रहा हूँ अभी, तो 10-20 भी नहीं जा रही है क्योंकि बहुत ही ख़राब रास्ता है। अगर कांच में कुछ दिक्कत आ गई तो वापस से दूसरा ढलवाना पड़ेगा, इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है। अभी 4:15 बज रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे हम लोग। गाइस, तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको ये जो हमने नया बम्पर लिया है, जो पुरानी स्क्रैप में आई थी गाड़ी, उसमें से जो निकाला है वो दिखाऊंगा, और पीछे जो पड़ा है रेडिएटर अगर आपको दिख रहा हो तो, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बहुत ही बोले तो कि एक नंबर कंडीशन में है। और बोनेट भी बहुत ही अच्छा है, आपको बोनेट भी दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि हम लोग घर पे इसका बम्पर फिट करेंगे। तो मिलते हैं इससे भी अच्छी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।